प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों एवं उससे संबद्ध सभी महाविद्यालयों की 30 जून तक परीक्षा संपन्न कराकर उसका रिजल्ट घोषित करने के साथ जुलाई में नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उच्च शिक्षा सचिव मोनिका गर्ग से चर्चा की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय की परीक्षा को संपन्न कराकर उसका परिणाम घोषित करने की बात कही गई है। कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर लॉकडाउन 3 मई को समाप्त होता है तो परीक्षाएं 30 जून तक समाप्त कर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और सबको मार्गदर्शन दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी पॉलिसी बना लेंगी ताकि अगला शैक्षणिक सत्र समय से यानी 5 जुलाई से शुरू होता है, उस हिसाब से आप लोग कार्रवाई अपनी कर लेंगे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाएंगे हम लोग अपना पुराना जो एजेंडा थोड़ा सा रह गया है उस पर चर्चा करेंगे। और एक आपने सेंट्रलाइज अभी जो 2-3 सजेशन आए हैं सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन के और नंबर ऑफ कॉपीज इवैल्यूएट करने की सीमा को शिथिल करने इन दोनों का मनोसमझी हो जारी कर देंगे। अभी ये हुआ है कि हमको सेशन रेगुलराइज करने के लिए जो कहीं न कहीं परीक्षा में 2-3 बिंदु आए कि प्रश्न पत्रों में कटौती की जाए, समय में कटौती की जाए या 3 मीटिंग किया जाए, तो अंततः निर्णय ये हुआ कि ये विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया जाए कि कम से कम समय में और 30 जून के पहले तक परीक्षाफल घोषित करते हुए अलग अलग विश्वविद्यालय जो भी अपने यहाँ फार्मूला विकसित करना चाहें करें, यथासंभव थर्ड ईयर यानी बीए थर्ड ईयर और एमए फाइनल के परीक्षाफल पहले निकल जाएँ और शेष जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं वो थोड़ा विलंब से भी निकलेंगे तो उन बच्चों को अपने पास ही रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सेशन हम जुलाई से रेगुलेट कर पाएंगे। उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ने माननीय डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी और उच्च शिक्षा सचिव मोनिका गर्ग जी से चर्चा की और वर्तमान में जो लॉकडाउन की वजह से हमारी शिक्षण संस्थाएँ बंद हैं, अध्ययन बंद है, अध्यापन बंद है, परीक्षाएँ रुकी हुई हैं, इसके बारे में विस्तार से सभी वाइस चांसलर ने बैठ कर के चर्चा की और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री की स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, उच्च शिक्षा को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनसे भी चर्चा के उपरांत यह निकल के आ रहा है कि 3 मई के बाद जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, जैसे कि उम्मीद है कि 3 मई के बाद करीब समाप्त सा हो जाएगा, तो शीघ्रातिशीघ्र जो बची हुई परीक्षाएं हैं उसको प्रारंभ कर दी जाएं और उनको परीक्षा करा करके शीघ्रातिशीघ्र उनका परीक्षा फल घोषित कर दिया जाए। उसमें भी जो अंतिम वर्ष के हमारे फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर परीक्षा कराते हुए उनका रिजल्ट पहले घोषित किया जाए और बचे हुए जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हमारे बच्चे हैं जो अभी अगले सत्र में भी हमारे साथ रहेंगे उनके बारे में भी एक रणनीति के तहत परीक्षा कराते हुए उनका भी परीक्षा सेकेंड फेज में डिक्लेयर कर दिया जाए। कुल मिला जुला करके 30 जून तक सब परीक्षाएँ
सभी परीक्षाएं संपादित होकर के उनके परीक्षा फल घोषित हो जाएं और जुलाई में प्रवेश हमारे प्रारंभ हो जाएं। और अभी तक जो मूल्यांकन किया गया है तो लॉकडाउन के 40-45 दिन में कुल मिला करके जो हमारा लॉस हुआ है उसको अगर हम कंपनसेट करें तो 10 या 15 दिन हम कंपनसेट कर सकते हैं। कुल मिला के 20-25 दिन का हमारा लॉस होगा जिसको हम फाइनल ईयर को प्राथमिकता देते हुए अगले सत्र तक कवर कर लेंगे। और हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे जो अभी अगले सत्र में भी हमारे साथ रहेंगे, अगले सत्र में छुट्टियों को कैंसिल करते हुए कम करते हुए और हम अगले सत्र तक जब तक वो निकलेंगे फाइनल में वो आएंगे हमारे हम फाइनल डिग्री हमारे यहाँ से लेंगे तब तक उनका कोई लॉस नहीं होगा। प्राथमिकता के आधार पर जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको समय से उनका रिजल्ट घोषित करते हुए ताकि उनको अगले एडमिशन अगली तैयारी के लिए संस्था से बाहर जा सकेंगे।